चेक में चला लेता हूँ। आप देख लो भाई, ये सारे ऐड वगैरह चल गए हैं इसके अंदर। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के इस वाले स्टीरियो में आप यूट्यूब कैसे चला सकते हो और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगी, कौन सा क्या एप्लीकेशन अपन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो अपन को चाहिए होगा एक एंड्रॉयड फ़ोन, आपके पास होगा। देखो एंड्रॉयड ऑटो से ही चलेगा, अभी एप्पल कारप्ले में चलाने का तो कोई मेरे को मिला नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो का मिला वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करना, आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, इस तरीके का कोई भी चलेगा आपके पास, कोई भी कंपनी का हो, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको पिंड कॉमेंट में एक ऐप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आपको सिंपली उसको डाउनलोड करना है, वो ऐप है ये 888D, ठीक है भाई। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब भाई यही ऐप क्यों, अब भाई देखो यही ऐप है जो आपको बाईपास करके अपने आपके एंड्रॉयड ऑटो को चला देगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक ना देने का सबसे मेन कारण मेरा यही है, क्योंकि वहाँ पे देखो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। यूट्यूब आजकल एक सिस्टम लेके आया है जिसके अंदर लाइक जो अपन किसी भी एप्लीकेशन का अगर लिंक देता है डिस्क्रिप्शन में, तो वो उसको पायरेट समझ के उस वीडियो को टेकडाउन कर देता है। बहुत बार होता है ऐसा, तो पायरेसी बचाने के लिए करता है वो। तो पायरेसी वगैरह तो नहीं है, वैसे तो ये पेड ऐप है, लेकिन इसमें आपको एक डाउनलोड फ्री मिलता है, तो आप उससे ये कर लेना। मैं इसका पिंड कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपली इस ऐप को डाउनलोड करने ना। फिर जब आप इसको खोलोगे ना, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार पूरी तरीके से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एकदम नए सिरे से खोलता हूँ। आपको यहाँ पे ये अपडेट वगैरह के लिए बोलेगा, ये आपको नहीं करना है, नॉट फॉर नाउ इग्नोर, ऐसे कर देना। यहाँ पे लिखा आ रहा है भाई, यू हैव वन डाउनलोड रिमेनिंग, आपको नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कार स्ट्रीम ऐप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन पर जाना है, ओके कर देना, ठीक है भाई। ओके करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग वोडिंग होगा, उसके बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देख लो, अभी तो ये लोडिंग हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो है इसलिए ये शायद दिक्कत हो सकती है। तो भाई उस फ़ोन में मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई, मैं ब्लोअर की स्पीड कम कर लूँ, उस फ़ोन में थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। तो उसका जो एक वन डाउनलोड रिमेनिंग है ये तो चला गया था गलती से। तो अभी इसमें दूसरा फ़ोन लेके आया हूँ, इसमें मैं दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे अपन को फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग वोडिंग होगा, उसके बाद अपना डाउनलोड वगैरह हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन आ गया, अभी अब सेटिंग्स वगैरह में जाके यहाँ से अननोन ऐप्स को इंस्टॉल कर देना, यहाँ से ये जो भी परमिशन वगैरह मांगता वो कर देना। अभी 7 सेकेंड अपन को वेट करना पड़ेगा इसके लिए, फिर अपना हो जाएगा। यहाँ से मैंने ओके कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से इंस्टॉल का बटन इस पर दबा देता हूँ, ठीक है भाई। तो अभी यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पे थोड़े बहुत ही अलग अलग, ये वीवो का फ़ोन नहीं, सब पोको वगैरह का फ़ोन है, तो इसमें ऐसे सब सिस्टम आजकल आ गए हैं, ठीक है। ओपन वगैरह अपन करते हैं, यहाँ से अपन को सारी परमिशन वगैरह दे देनी है फ़ोन को, ठीक है भाई। अभी अपने क्या काम रहता है, अभी अपना सिंपली काम रहता है, अब जैसे जिस फ़ोन में मैंने इतना सब किया है ना, उस फ़ोन को मेरे को एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ये फ़ोन है, अब मेरे को इसको एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करना है, तो एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करने के लिए प्रोसेस होता है वो भाई मैंने सारा एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। तो अभी देखते हैं इस वीडियो में कि अब जैसे आफ्टर एंड्रॉयड ऑटो ये काम करता है कि नहीं करता। आफ्टर कनेक्टिंग एंड्रॉयड ऑटो आपको यहाँ पे कार स्ट्रीम का ऐप दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ये थोड़ा जो फ़ोन वगैरह का थोड़ा लोचा रहता है, देखो इसमें यूट्यूब वगैरह अपना चलना लग गया, यहाँ से अपन कुछ भी यूट्यूब पे सर्च वगैरह कर सकते हैं। यहाँ देखो शॉर्ट्स वगैरह का ऑप्शन भी आ रखा है, ये देखो। अगर ये गाना सर जी, ये देखो भाई ये चल गया। एंड यहाँ पे अपन यूट्यूब से ट्राई टू गेट सर्च, यहाँ से ये सर्च होगा शायद मेरे ख्याल से। यहाँ पे मैं कुछ भी जैसे मेरे को सर्च करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कृष्णा भाई का ट्रैक चला देता हूँ एक बार। यहाँ से मैंने कृष्णा भाई का कोई भी ट्रैक सर्च कर लिया। एंड मैं जैसे मान लो एक बार मैं आवाज़ कम कर लूँ, भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रखी है इसकी, यहाँ से आवाज़। अब फिर आप यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अभी तक तो जितना मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से अपन ने यूट्यूब वगैरह चला लिया, अब देख लो, ये देखो भाई यूट्यूब चल रहा है। जैसे आई गेस ट्रैक में चला लेता हूँ, आप
आप देख लो भाई ये सारे ऐड वगैरह चल गए इसके अंदर। तो भाई इस तरीके से आप एंड्रॉयड ऑटो अपनी कार में चला सकते, सॉरी एंड्रॉयड ऑटो से अपनी कार में ये यूट्यूब वगैरह चला सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ये सब चलाओ क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ तो नहीं होता इन माय ओपिनियन। और बाकी देखो आपकी मर्जी, अगर आपको चलाना है तो आप चला सकते हो, लेकिन हाँ मैं यही रिकमेंड करूँगा आप बिल्कुल इसको यूज़ मत करो, भी चलती गाड़ी में भी ये काम करेगा। हाँ आप इस तरीके से काम में ले सकते हो इसको कि आपके घर में बच्चे बच्चे बस उनको शांति से बैठाए रखने के लिए गाड़ी में, ताकि वो इधर उधर चीज़ों को ना छेड़े, इसलिए आप उसको उनको चला के दे सकते हो। तो चलो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।